Hello everyone, welcome to my channel Psyco Study. I am Nishu Raval and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of Ignu and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 107 के यूनिट 2 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, थ्योरीज ऑफ सोशल साइकोलॉजी। और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सोशल साइकोलॉजी को, हमने दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है, सोशल साइंसेस के जो दूसरे डिसिप्लिन्स हैं उससे हमने जो है रिलेट करा था। सबसे पहले इसमें हमने सोशल साइकोलॉजी को अदर सोशल साइंसेस के साथ रिलेट करा था, फिर सोशल साइकोलॉजी को अदर ब्रांचेस इन साइकोलॉजी के साथ रिलेट करा था, फिर हमने लेवल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल बिहेवियर को स्टडी करा था। इंडिविजुअल, इंट्रापर्सनल लेवल सबसे पहले, फिर इंटरपर्सनल लेवल, थर्ड होता है इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, और लास्ट इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स। ये हमने पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू सोशल साइकोलॉजी, कि कौन कौन सी थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं सोशल साइकोलॉजी में, और ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है, जिसमें हमें लर्निंग थ्योरीज बेसिकली, ठीक है, दो थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं, पहला लर्निंग थ्योरीज और दूसरा कॉग्निटिव थ्योरीज। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू सोशल साइकोलॉजी में पहली जो हमारी थ्योरेटिकल अप्रोच है वो है लर्निंग थ्योरीज। अब जो लर्निंग थ्योरीज हैं, अकॉर्डिंग टू दीज लर्निंग थ्योरीज आर करंट बिहेवियर इज शेप्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि हमारा जो अभी बिहेवियर है वो हमने पास्ट में जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसकी वजह से है। और हम जो भी अपनी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, हम हैबिट्स कैसे डेवलप करते हैं, रिपीटेड बिहेवियर होते हैं हमारे, ठीक है, जितने भी बिहेवियर्स को हम बार बार रिपीट करते हैं सिमिलर सिचुएशंस में, वो हमारे क्या बन जाते हैं, हैबिट्स बन जाते हैं। तो हैबिट्स कैसे बनती है, सिमिलर सिचुएशंस में एक ही बिहेवियर को हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी हैबिट्स डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टॉप एट रेड लाइट बिकॉज वी हैव लर्न टू डू सो, कि हम जब भी ट्रैफिक में होते हैं, ठीक है, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब भी रेड लाइट होती है हम लोग रुक जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने ये चीज़ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करी है कि जब भी रेड लाइट होती है हमें रुकना होता है। तो ये लर्निंग थ्योरीज बताती हैं कि हम किस तरीके से बिहेवियर को लर्न करते हैं या फिर सोशल बिहेवियर को लर्न करते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरीज, अब जो सोशल लर्निंग थ्योरीज है वो अल्बर्ट बैंडूरा, ठीक है, और इवान पावलोव और BF स्किनर, इन सब ने जो है, इन सब से मिलकर के इन्होंने डेवलप करी हैं सोशल लर्निंग की थ्योरीज। अब सोशल लर्निंग की थ्योरीज किस पे फोकस करती है, फोकस ऑन हाउ वी लर्न सोशल बिहेवियर्स, कि कैसे हम सोशल बिहेवियर को लर्न करते हैं, ठीक है, इस वजह से क्या है ये लर्निंग थ्योरीज। अब तीन मेन मैकेनिज्म्स होते हैं, तीन लर्निंग मैकेनिज्म्स होते हैं जो इसमें हमें मिले हैं। पहला है एसोसिएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, कि हम लर्निंग कैसे करते हैं एसोसिएशन बना करके या क्लासिकल कंडीशनिंग करके। ये जो थेरीज हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की, रीइंफोर्समेंट थेरी, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये सब हमने फर्स्ट ईयर में बीपीसीसी 101 में हमने लर्निंग की थेरीज पढ़ी थी। सेम वही थेरीज है, उनको हम लोग सोशल जो साइकोलॉजी में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की थेरी अगर आपको याद हो तो उसमें क्या था कि हमारे पास जो इवान पावलोव ने ये वाली जो थेरी थी ये डेवलप करी थी, उन्होंने एक डॉग को न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी, बेल को उन्होंने किससे जोड़ा था, नेचुरल स्टिमुलस, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस UCS, ठीक है, उसके साथ एक्विजिशन करी थी, दोनों को जोड़ा था और फिर उससे क्या हुआ, एक लर्न रिस्पॉन्स बना था कि बार बार जब इस एक्विजिशन को बार बार करा गया, ठीक है, बार बार हम बैल बजा करके और फिर उसे क्या दे रहे थे, फूड दे रहे थे, और फूड को देख करके उसे सैलिवेशन स्टार्ट हो रहा था डॉग को। तो उस डॉग ने धीरे धीरे जब ये रिपीटेटिव बिहेवियर बार बार होता रहा सिमिलर सिचुएशंस में, तो उस डॉग ने क्या लर्न करा कि भाई जब भी बैल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। तो उसने सिर्फ बैल बजने पर, जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, अगर किसी डॉग के सामने आप बैल बजाओगे, ठीक है, तो वो कोई उसको सैलिवेशन नहीं होनी चाहिए उससे, बट उस डॉग को हमने ये कंडीशनिंग करवाई थी, पावलोव ने कंडीशनिंग करवा दी थी कि जब भी बैल बजेगी उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। तो ये उसने रिस्पॉन्स को लर्न कर लिया था। तो ये था पावलोव का डॉग, ठीक है, जिसने सैलिवेट करना स्टार्ट कर दिया था एट अ बैल बिकॉज दे एसोसिएटेड विद द फूड। तो हमने बैल को फूड के साथ एसोसिएट करा था और क्या बिहेवियर, क्या जो रिस्पॉन्स लर्न करा था पावलोव के डॉग ने, सैलिवेट करना एट अ बैल। तो ये थी एसोसिएशन वाली लर्निंग, कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग से भी लर्निंग करते हैं। अगर इसको सोशल बिहेवियर में हम लोग देखें तो जब हम स्कूल में होते हैं, है ना, तो क्या होता है कि जैसे ही स्कूल की बैल बजती है ना, लंच की बैल बजती है, हम लोग को भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, और ये चीज़ बहुत टाइम से हमारे साथ होती रहती है। तो जब भी वो टाइम आता है, बैल बजती है, हमें अपने आप भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, वो टाइमिंग्स बनी होती हैं कि हमें कब भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी एक क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है कि हम लोग ने बैल को और फूड को एसोसिएट कर रखा है। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा लर्निंग मैकेनिज्म, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि हम बिहेवियर फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड और अवॉइडिंग अ पनिशमेंट, कि कोई भी बिहेवियर है। रीइंफोर्समेंट वाली थ्योरी क्या बता रही है कि भाई जो बिहेवियर होता है, अगर वो बिहेवियर क्यों होता है, कि या तो कोई रिवॉर्ड को पाने के लिए या फिर पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, उसे हम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। कि जैसे अ चाइल्ड हेल्प्स अदर बिकॉज दे गेट प्रेस्ड, कि एक बच्चा है वो दूसरों की मदद क्यों कर रहा है या फिर वो अपना होमवर्क टाइम पे क्यों कर रहा है, ताकि उसको वो दूसरों की मदद क्यों कर रहा है, ताकि उसको प्रेज मिले, ठीक है। इस वजह से वो मदद कर रहा है, या फिर वो अपना होमवर्क टाइम पर क्यों कर रहा है, ताकि उसको टीचर से मार ना लगे। तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए या फिर कोई रिवॉर्ड गेन करने के लिए हम कोई बिहेवियर करते हैं। तो ये थी रीइंफोर्समेंट वाली थ्योरी, इसको सोशल सेटिंग्स में ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो बेस्ट एग्जांपल यही रहेगा कि चाइल्ड हेल्प्स अदर्स बिकॉज दे गेट प्रेस्ड। हम दूसरों, एक बच्चा दूसरों की मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी तारीफ की जाएगी, ठीक है, उसको प्रेज मिलेगा, उसको सब लोग अच्छा समझेंगे, तो इस वजह से वो दूसरों की मदद कर रहा है ताकि उसे को रिवॉर्ड मिल सके। या फिर वो दूसरों को दुखी क्यों नहीं कर रहा है, अपने दोस्तों को बुली क्यों नहीं कर रहा है, दूसरों को दुखी क्यों नहीं कर रहा है, ताकि उसको लोग बुरा ना समझे या फिर बाद में उसको पेरेंट्स या टीचर से मार ना पड़े। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी वो दूसरों की मदद कर रहा है या फिर दूसरों के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है। ये है रीइंफोर्समेंट वाली मैकेनिज्म। फिर लास्ट इसमें आ जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या कहती है? लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स, कि हम दूसरों को देख करके फिर हम लर्निंग करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करके दूसरों को फिर हम लर्निंग करते हैं। और जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उन्हें मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है, जिन लोगों को हम देख करके, ठीक है, ऑब्जर्व करके सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, उन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चिल्ड्रन लर्न स्पीच पैटर्न्स फ्रॉम दोज अराउंड दैम, कि बच्चे स्पीच पैटर्न्स को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, या फिर प्रैग्मेटिक्स और सिंटैक्स सेमेंटिक्स कैसे लर्न करते हैं, कि हमें सोशल सेटिंग्स में किस तरीके की बात करनी है क्या नहीं करनी है, वो हम कैसे पता चलता है जब हम दूसरों को देखते हैं अपने आसपास। तो वो क्या होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और ये तीनों जो लर्निंग मैकेनिज्म है ये हमने बीपीसीसी 101 में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़े थे, तो आप वो भी देख सकते हैं जिनको नहीं याद आ रहा है बिल्कुल भी। और यहाँ पर हमने थोड़ा ब्रीफ में ही इसको समझा है, क्योंकि हमने सिर्फ 3 लर्निंग मैकेनिज्म्स यहाँ पे समझने थे कि किस तरीके से सोशल सेटिंग्स में लर्निंग करी जा सकती है। अब इसमें जो सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, एक और थ्योरी है इसमें सोशल एक्सचेंज थ्योरी, जो डेवलप करी थी कैली और डीपोर्ट ने। ये लोग क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड कॉस्ट। इन्होंने जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जो भी हम सोसाइटी में अपने रिलेशनशिप बनाते हैं, वो किसके बेसिस पर बनाते हैं? रिवॉर्ड्स एंड कॉस्ट के बेसिस पर। पीपल चूज एक्शन दैट मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स एंड मिनिमाइज कॉस्ट। हम वो एक्शंस लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है, अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में, ठीक है, और स्ट्रेंथन करने में। उन एक्शंस को हम लोग चूज़ करते हैं जो हमारे रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करेंगे और कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। और ये इन्होंने जो पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है, उससे ही थोड़ा रिलेटेड है, एक्सचेंज जो इकोनॉमी थी उससे रिलेटेड है, ये वाली जो थ्योरी है उसी पर बेस्ड है, कि हम लोग रिलेशनशिप्स भी कैसे हम बनाते हैं रिवॉर्ड्स और कॉस्ट के बेसिस पर। सोशल इंटरेक्शन आर सीन एज एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सोशल रिलेशनशिप्स को इन्होंने कैसे देखा है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसी से इन्होंने एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बेसिस पर इन्होंने सोशल इंटरेक्शंस को देखा है, कि हम लोग सोशल इंटरेक्शंस क्यों करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स में क्यों आते हैं, दूसरों के साथ रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं, ठीक है, सोशल क्यों होते हैं, रिवॉर्ड और कॉस्ट के लिए। ज़्यादातर हम वो बिहेवियर करेंगे जो रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करेगा और कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा। अब सोशल लर्निंग थ्योरी को अगर हम सोशल एक्सचेंज वाली थ्योरी को अगर मैं एग्जाम्पल से समझूँ तो क्या होता है इसमें, कि मान लो आप स्कूल में या फिर कॉलेज में और आपने अपने किसी फ्रेंड की, ठीक है, अपने किसी क्लासमेट की आपने हेल्प करी उसके प्रोजेक्ट को बनाने में, ठीक है, प्रोजेक्ट पूरा करवाने में। अब आपने उसमें बहुत टाइम भी लगाया, एफर्ट भी लगाया, ये थी आपकी कॉस्ट जो आपने दी, ठीक है, और इसके बदले में आपने क्या एक्सपेक्ट करा, या फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब ये इंसान भी मेरे को हेल्प करेगा दोबारा से, ठीक है, रेसिप्रोकेट करेगा। बट वहाँ पर क्या हुआ कि उसने आपकी हेल्प नहीं करी, तो आपको क्या लगेगा कि आपका जो रिवॉर्ड है वो तो आपको मिला ही नहीं, और आपकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा, कॉस्ट यहाँ पर क्या होगा, आपका टाइम, आपका एफर्ट जो आपने उधर लगाया था। तो इस तरीके का रिलेशनशिप होता है। और अगर आपको बदले में कोई रिवॉर्ड नहीं मिला तो आप क्या सोचेंगे कि अरे यार मेरी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा लग गई, ठीक है, मेरा टाइम एफर्ट इतना सब कुछ मैंने लगाया, और जब मुझे ज़रूरत है इस मेरे फ्रेंड ने मेरी मदद नहीं करी। तो आप दोबारा से जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो आप रिकन्सिडर करोगे, दोबारा से सोचोगे कि भाई मुझे अब की बार फिर से इसकी मदद करनी है, और मदद करनी है तो किस हद तक करनी है, कितनी कॉस्ट लगानी है, कितना टाइम, कितना एफर्ट लगाना है इसके लिए, ये आप दोबारा से सोचोगे। तो ऐसा ही एक रिलेशनशिप होता है। फ्रेंडशिप में भी अगर आपका जो फ्रेंड है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आपके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चेयरअप करता है आपके काम में, और इसके बदले में आप भी उसे अपना टाइम देते हो, ठीक है, अपना एफर्ट देते हो, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो आप भी काम करते हो, तो रेसिप्रोकेट करते हो, ठीक है। तो एक अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज की तरह ही रिवॉर्ड और कॉस्ट वाला ही रिलेशनशिप आपका होता है, और आप उसके साथ और ज़्यादा अच्छे से फ्रेंडशिप रखते हो, और आपको लगता है कि हाँ जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, जो इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, ये मुझे बेनिफिट दे रहा है, ये मेरे लिए रिवॉर्ड है, और इसके बदले में मेरी क्या कॉस्ट लग रही है कि मुझे भी अपना टाइम और एफर्ट उसे देना पड़ेगा, जो कि ठीक है, बराबर है, मेरी कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। आप रिलेशनशिप कैसे बनाते हो, अपने चॉइसेस कैसे लेते हो, क्या एक्शन को चूज करते हो जो आपके रिवॉर्ड को तो मैक्सिमाइज करे बट कॉस्ट मिनिमाइज हो, ये हम लोग देखते हैं सोशल इंटरेक्शंस में। आपकी कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, अगर आपकी कॉस्ट मैक्सिमाइज हो जाती है और रिवॉर्ड आपका मिनिमाइज हो जाता है तो वो एक्शंस आप कम कर देते हो। तो ये बोलती है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। अब है कि जो ये लर्निंग थ्योरीज थी ऑब्जर्वेशन वाली, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट और सोशल एक्सचेंज थ्योरी, इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करा गया था। तो देखते हैं इनको क्रिटिसाइज़ क्यों करा था। और ये जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी सोशल एक्सचेंज की थ्योरी, ये रीइंफोर्समेंट वाला जो मैकेनिज्म था, ठीक है, रीइंफोर्समेंट वाली जो पॉइंट था उसी का ही एक उसी से रिलेटेड है, ठीक है, उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, रीइंफोर्समेंट वाले प्रिंसिपल के ऊपर, थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग भी रहा होगा रिवॉर्ड एंड कोस्ट वाला, ठीक है, और उसमें भी रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट यही चीज़ें थी। और ये जो लर्निंग थेरीज इनकी क्या क्रिटिसिज्म थी कि जो ये बिहेवियर होते हैं, ठीक है, इसको बेसिकली मोस्टली इस पर क्या इन्होंने सजेस्ट करा, फर्स्ट रिएक्टिविटी, कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो हम लोग होते हैं, ये हम लोग सीधा सिर्फ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए रिएक्ट करते हैं कि पहले कोई एक्शन होगा फिर हम उसका रिएक्शन देंगे, सिर्फ यही होता है। इन्होंने लर्निंग थेरी से ये पता चल रहा है कि जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग है कि पहले कोई पेयरिंग होगी, ठीक है, और फिर हम लोग कुछ रिएक्ट करेंगे, पहले तो यही होगी कि हम लोग सिर्फ रिएक्ट नहीं करते और भी चीज़ें होती है, तो पहला ये क्रिटिसिज्म था। दूसरा था लैक ऑफ क्रिएटिविटी, कि ये जो थियरीज़ हैं लर्निंग थेरीज़, ये दूसरे जो बिहेवियर है जैसे क्रिएटिविटी, ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्रिएटिविटी या कुछ इनोवेट करना नया, ठीक है, कुछ नई इन्वेंशन करना, ये सब जो चीज़ें हैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाती लर्निंग थेरीज़, जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ी हैं ये वाली लर्निंग थेरीज़ ये नहीं एक्सप्लेन कर पाती। और जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है उसका हेडोनिस्टिक व्यू है कि जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी वो तो सिर्फ बोल रही है कि हाँ भाई रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज कर दो, और जो दूसरे बिहेवियर हैं कि मोटिवेशन, अल्ट्रिज्म, इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए कोई काम नहीं करते। बहुत से ऐसे हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे काम होते हैं जो हम लोग अपने सेल्फलेस जो हमारा बिहेवियर होता है वो भी होता है कि हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। जो लोग NGOs वगैरह में काम करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता वहाँ से, बट स्टिल वो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है, अल्ट्रिज्म, प्रो सोशल बिहेवियर हम लोग भी दिखाते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ मिलता नहीं है, किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए हम लोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारी मोटिवेशन होती है, हमारा वो प्रो सोशल बिहेवियर होता है जो हम लोग शो करते हैं, और वो जो है रीइंफोर्समेंट थ्योरीज नहीं बता सकती। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ हम रिवॉर्ड के लिए या फिर कुछ अवॉइड करने, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए हमारा बिहेवियर होता है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे लर्निंग थ्योरीज के, कि पहला तो रिएक्टिविटी, कि हम सिर्फ जो है सिचुएशन पे एनवायरनमेंट के लिए जो है रिएक्ट करते हैं, कुछ खुद से काम नहीं करते हैं। और जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ठीक है, और कुछ नया इन्वेंट करना, ये जो बिहेवियर है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती लर्निंग थेरीज। और जो हम लोग मोटिवेशन जो हमारी होती है, ये वाला जो कंसेप्ट है मोटिवेशनल, टूरिज्म, प्रो सोशल बिहेवियर, इन सबको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती सब थेरीज। लेकिन कितना ही क्रिटिसिज्म हो, ये सेकंड क्रिटिसिज्म वैसे यही था हेडोनिस्टिक व्यू, कि मैक्सिमाइज़ कर देते हैं प्रॉफिट्स को फ्रॉम आउटकम्स हम लोग, और हम ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं कि हमें जो भी हम काम करें इसके बदले हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, और इसके अलावा जो हमारा सेल्फलेस बिहेवियर है वो नहीं होता, ठीक है, हम लोग वो शो नहीं करते, वो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ये भी इसका क्रिटिसिज्म था। और कितना ही क्रिटिसिज्म होने के बाद भी, इतने क्रिटिसिज्म होने के बाद भी जो ये बिहेवियर, जो लर्निंग थ्योरीज थी, ये एक्सप्लेन कर रही थी कि हम कुछ बिहेवियर, कुछ सर्टेन बिहेवियर्स क्यों करते हैं, कैसे हम उन बिहेवियर्स को लर्न करते हैं और कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरों से। कि किसी ने कोई जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उनसे काम करवाना होता है तो उनको कुछ ना कुछ कि अच्छा तुमने ये काम करा, अगर अपना होमवर्क टाइम पर करा तो तुम्हें इसके बदले ये मिलेगा या फिर तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे, तो उनको हम लोग इन्फ्लुएंस भी कर पाते हैं। और जैसे जो हमारा बिहेवियर था कि जैसी रेड लाइट होती है हम लोग रुक जाते हैं, जैसी रेड लाइट होती है हम लोग रुक जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये हमने लर्न करा है, तो हम कैसे नए बिहेवियर को लर्न करते हैं। और कुछ जो हमारे पुराने बचपन के बिहेवियर्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो हमने सीखे होते हैं वो भी हमारे दिमाग में रहते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्यों करना है ये काम। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे कुछ सर्टेन बिहेवियर्स हैं जो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं लर्निंग थेरीज से, कि कैसे लोग इन्फ्लुएंस होता है, कैसे हम नई चीज़ें लर्न कर सकते हैं इन लर्निंग थेरीज से, और इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी हमने पढ़े। तो ये थी हमारी लर्निंग थेरीज। अब सेकेंड टाइप की जो हमारी कैटेगरी आ जाती है वो है कॉग्निटिव थेरीज। कॉग्निटिव थेरीज क्या बोलती हैं कि भाई ये मेन फोकस करते हैं हमारी कॉग्निशन पर, मेंटल प्रोसेसेस पर, परसेप्शन, मेमोरी, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, हमारे जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर, मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर फोकस करती हैं कॉग्निटिव थेरीज। इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉग्निटिव थेरी के अकॉर्डिंग ये लोग मेन फोकस करते हैं, ठीक है, मेन एम्फेसाइज करते हैं कॉग्निटिव थेरीज हमारे थॉट्स पर, कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। लर्निंग थेरीज में क्या था कि हम हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उससे हम नया बिहेवियर जो है लर्न कर पा रहे हैं। हम जब बार बार रिपीट करते हैं सिमिलर सिचुएशन में तब जाकर के हमारी हैबिट्स बनते हैं। तो मीन्स कि हम जो भी बिहेवियर है, जो भी हमारा सोशल बिहेवियर है वो हमने लर्न करा है, सीखा है दूसरों को देख करके, ठीक है, कंडीशनिंग करके या फिर रिवॉर्ड्स और कॉस्ट के लिए। तो ये वो कहती थी लर्निंग थेरीज। कॉग्निटिव थेरी बोलते हैं कि भाई जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी परसेप्शन, हमारी मेमोरी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सोशल बिहेवियर को। सेकेंड पॉइंट है इसमें रोल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस। हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस का रोल क्या होता है? कॉग्निटिव प्रोसेसेस एक ब्रिज की तरह काम करती हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बीच में और रिस्पॉन्सेस के बीच में, कि बाहर कोई भी स्टिमुलाई होगा वो हमारे ब्रेन में जाएगा, मेंटल प्रोसेसेस अपनी काम करेंगी और फिर हम अपना रिस्पॉन्स देंगे। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। वी एक्टिवली इंटरप्रेट एंड चूज हाउ टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हम जो है इंटरप्रेट करते हैं और फिर जाकर के हम स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कहना है कॉग्निटिव प्रोसेसेस का क्या रोल होता है और क्या थ्योरी का बेसिक्स है, ठीक है, वो हमने पढ़ा। अब इसको, ये जो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं, इसको इन्फ्लुएंस करने वाली जो साइकोलॉजी है वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वी रिस्पॉन्ड टू होल कन्फिगरेशन ऑफ स्टिमुलाई, नॉट जस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स। ये हमने पहले भी पढ़ा कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या बोलती है, जो हम लोग जो है सिर्फ पार्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करते, हम कंप्लीट एक होल जो है स्टिमुलाई को परसीव करते हैं। कि हम अगर किसी ह्यूमन का देखते हैं तो उसकी आइज़ अलग, ठीक है, नोज़ अलग, हैंड्स अलग, ये सब अलग अलग नहीं देखते, हम पूरा एक ह्यूमन देखते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसे सोशल सिचुएशंस में समझे, ठीक है, सोशल सेटिंग्स में समझे, अंडरस्टैंडिंग अ स्टिमुलस रिक्वायर्स सीइंग इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम। कि हम लोग जब कोई भी स्टिमुलस देखते हैं, किसी स्टिमुलस को समझने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस स्टिमुलस को नहीं देखेंगे, सिर्फ उस एक बिहेवियर को नहीं देखेंगे, बल्कि वो बिहेवियर किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, किस सिचुएशन में हुआ है, वो हम पूरा परसीव करते हैं, तब जाकर के हम किसी स्टिमुलस को समझ पाते हैं। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करते हैं, कन्फिगरेशन ऑफ स्टिमुलस देखते हैं हम लोग, की कंप्लीट एक होल स्टिमुलस को हम लोग परसीव करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को भी इंक्लूड करते हैं, ये बोलते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। नेक्स्ट इसमें एक्टिव इंटरप्रिटेशन। एक्टिव इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? हम लोग जो भी हमारे पास बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं ना, हमारे आसपास दुनिया भर के स्टिमुलाई चल रहे होते हैं, हम एक्टिवली सिलेक्ट करते हैं कि हमें किसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है, फिर हम उसे इंटरप्रेट करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट और यूजफुल टू देम। हम लोग सिर्फ उन्हीं स्टिमुलस को लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आसपास दुनिया भर के काम चल रहे होंगे, कहीं से आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, बाहर जो है शोर हो रहा होगा, लेकिन आपने किसके ऊपर सिलेक्ट करी अपनी अटेंशन? वीडियो के ऊपर मे बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने सिलेक्ट करा है कि आपको किस स्टिमुलस को लेना है, किसको इंटरप्रेट करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा यूजफुल है। ये होती है एक्टिव इंटरप्रिटेशन। दे ऑर्गेनाइज देयर वर्ल्ड कॉग्निटिवली, नॉट जस्ट रिएक्ट टू इट। जैसे कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो लर्निंग थ्योरीज थी, उनकी लिमिटेशन क्या थी, क्या क्रिटिसिज्म था कि हम सिर्फ उनके लर्निंग थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं अपने एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को, ठीक है। बट ये यहाँ पर क्या है, कॉग्निटिव थ्योरीज क्या कह रही है कि हम लोग कॉग्निटिवली ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अपने पूरे वर्ल्ड को कॉग्निटिवली, और जिस स्टिमुलस को हमारा मन करता है कि हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उस पर अपने अटेंशन लगाते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, ना कि सिर्फ रिएक्ट करते हैं। फिर है फिफ्थ इसमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रेफर्स टू हाउ आर थॉट्स, कंसेप्ट्स एंड बिलीव्स आर ऑर्गेनाइज्ड। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स को देखते हैं, ठीक है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे कंसेप्ट्स, हमारे बिलीव्स, ये सब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं हमारे ब्रेन में, उनको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर में उनका कोई फिजिकल ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि आपके ब्रेन में आपने ट्री का कोई कंसेप्ट बना रखा है तो उसमें ट्री बना हुआ दिखेगा, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। बट हमारे जो थॉट्स, हमारे बिलीव्स, हमारे कंसेप्ट्स, ये सब हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं, ठीक है, मेमोरी में स्टोर होते हैं, तो वो उन्हें हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये हमारी जजमेंट्स को, डिसीजंस को अफेक्ट करती है। फिर है स्कीमास। स्कीमास क्या है? स्कीमास भी एक तरीके से कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ही है। स्कीमास आर मेंटल फ्रेमवर्क्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड सिचुएशंस। तो स्कीमास क्या होते हैं? हमारे कुछ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स ही होते हैं जो हमारे बने हुए होते हैं बचपन से, ठीक है, और ये एक तरीके से मेंटल फ्रेमवर्क है जो हमें हेल्प करता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, उसे समझने में, इंटरप्रेट करने में, किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है, किसी ह्यूमंस को लेकर के, इवेंट को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, जो भी इन्फॉर्मेशन है हम उसे किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से उसे समझेंगे, इस सब में हमें हेल्प करता है स्कीमास, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। दे हेल्प अस फॉर्म इम्प्रेशंस, रिमेंबर इन्फॉर्मेशन एंड मेक जजमेंट्स। स्कीमास हमें हेल्प करते हैं, हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं स्कीमास, ये हमें हेल्प करते हैं इंप्रेशन फॉर्म करने में, कि दूसरे इंसान को लेकर के जो भी हम इन्फ्रेंसेस बनाते हैं उसमें हमें हेल्प करते हैं, इन्फॉर्मेशन को याद रखने में हम हेल्प करते हैं हमें, और साथ में जजमेंट्स बनाने में, डिसीजन मेकिंग में हमें मदद करते हैं। कौन? स्कीमास। और स्कीमास का एक तरीके से मेंटल फ्रेमवर्क का एक तरीके से कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ही है। फिर इसमें कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। पीपल स्ट्राइव टू होल्ड कंसिस्टेंट आइडियाज़। हमारी क्या टेंडेंसी होती है कि हम लोग जो कंसिस्टेंट आइडियाज़ हैं उसी के ऊपर ज़्यादा हम लोग जोर देते हैं। इनकंसिस्टेंट आइडियाज़ कोज इंटरनल कन्फ्लिक्ट लीडिंग टू चेंजेस टू रिजोल्व दैट कन्फ्लिक्ट। अगर इसका एग्जाम्पल से इसको समझे, ठीक है, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी में क्या बता रहे हैं कि हमारा जो हमें आदत होती है कि हम एक ही कंसिस्टेंट आइडिया को फॉलो करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम स्ट्राइव करते हैं, बट अगर कोई इनकंसिस्टेंट आइडियाज़ हमें मिल जाए तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो है क्रिएट हो जाता है, और फिर हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं अपने बिलीव्स में, ठीक है, अपने थॉट्स में या फिर आइडियाज़ में हम लोग चेंज करते हैं ताकि वो कन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर फूड है, ठीक है, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, आपको लगता है कि भाई ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बट आपको बाद में जाकर के पता चलता है कि कोई एक नई रिसर्च हुई है जिससे पता चलता है कि ये जो फूड है ये आपकी पर्टिकुलर एज के लिए, ठीक है, या फिर आपके जेंडर के लिए ये फूड बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में आगे चल करके। तो आपका क्या क्रिएट हुआ, एक इनकन्सिस्टेंट आइडिया आपको मिल गया। ठीक है, इनकन्सिस्टेंट आइडिया मिला। अब तक आप सोचते थे ये फूड जो है सबसे बेस्ट है, ये जो डाइट है मेरी ये सबसे बेस्ट है, और आपको बाद में एक रिसर्च में पता चला कि भाई ये जो डाइट आपकी, ठीक है, ये जो फूड है पर्टिकुलर कोई भी फ्रूट हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसी कोई भी आप प्रोटीन ले रहे हैं कुछ भी, वो बहुत ही ख़राब है, ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, इनकन्सिस्टेंसी आई, जिसकी वजह से एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा और आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। या तो आप क्या करेंगे कि आप वो डाइट ही छोड़ दें कि भाई मैं जो है नहीं लूँगा क्योंकि अभी मुझे पता चला कि रिसर्च के अकॉर्डिंग ये अच्छी नहीं है मेरे लिए पर्टिकुलर डाइट या फिर ये पर्टिकुलर फूड, ठीक है, तो आप या तो उसे छोड़ देंगे, ठीक है, या आपने चेंजेस कर दिए अपने अंदर, ठीक है, अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, या फिर आप क्या करेंगे कि आप जो है उस रिसर्च को ही डिनाई कर देंगे कि भाई ये रिसर्च ही बेकार है, इन्होंने ढंग से नहीं करी होगी, मेरे को तो अब तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो लेकिन आप किसी एक ही कंसिस्टेंट आइडिया पे फोकस रखेंगे क्योंकि आप दोनों चीज़ें साथ में लेकर के नहीं चलेंगे कि आप ये भी एक्सेप्ट कर लें कि हाँ रिसर्च बोल रही है ये चीज़ बुरी है मेरे लिए, और आप ये भी एक्सेप्ट कर लें कि ये फूड अच्छा है मेरे लिए। आप दोनों चीज़ें नहीं रखेंगे अपने ब्रेन में, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए आप कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये तो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर भी आपने अपने बिहेवियर को चेंज करा है, अपने थॉट्स को चेंज करा है, सोशल बिहेवियर को चेंज करेंगे आप। फिर आ जाती है स्टडिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ऑब्जर्विंग चेंजेस इन अ पर्सन्स थॉट्स अंडर स्ट्रेस कैन रिवील हाउ देयर कॉग्निशंस आर ऑर्गेनाइज्ड। कि जब हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, जब हम किसी पर्सन में स्ट्रेस के टाइम पर अगर उसके कोई भी थॉट्स हैं, जो थॉट पैटर्न्स हैं जो चेंज हुए हैं, ठीक है, उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी कॉग्निशंस, ठीक है, जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस थी वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड थी। ठीक है, तो हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं कि किसी पर्सन ने क्या उसके थॉट्स थे, उसके थॉट्स कैसे चेंज हुए हैं, उनको हम ऑब्जर्व करें कि स्ट्रेस के टाइम पर उसके थॉट्स कैसे चेंज हुए, थॉट पैटर्न्स चेंज हुए हैं किसी पर्सन के। तो उस चेंजेस से हमें पता चल जाएगा कि इसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स क्या थे, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड थे, ये हमें पता चलेगा। इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को। फिर है इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी कि अब तक क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कॉग्निटिव थ्योरीज का। इट हेल्प्स एक्सप्लेन सेल्फ कंसेप्ट, हाउ वी परसीव अदर्स, वाई वी चेंज एटीट्यूड्स, हाउ वी मैनेज इंप्रेशंस एंड ग्रुप स्टीरियोटाइप्स। तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कॉग्निटिव थ्योरीज का, ये इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरीज ने हमें मदद करी है, हेल्प करी है समझने में, सेल्फ कंसेप्ट को समझने में, किस तरीके से हम दूसरों को परसीव करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम चेंज करते हैं अपने एटीट्यूड्स को, अपने बिलीव्स को किस तरीके से चेंज करते हैं, हम इंप्रेशन को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, कैसे हम फॉर्म करते हैं अपने इंप्रेशन को, ग्रुप स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, स्कीमाज वगैरह क्या होते हैं, इन सबको स्टडी करने में हेल्प करी है हमें कॉग्निटिव थ्योरीज ने। इट हैज़ प्रोवाइडेड मैनी इंसाइट्स, ठीक है, एंड प्रेडिक्शंस अबाउट इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर। और जितनी भी कॉग्निटिव थ्योरीज हैं उन्होंने बहुत सारी हमें जो है कंसेप्ट्स को समझने में हेल्प करी है, ठीक है, बहुत सारी इंसाइट्स हमें प्रोवाइड करवाई हैं किसी बिहेवियर को रिगार्डिंग, ठीक है, साथ में हमें प्रेडिक्शन करने में भी हेल्प करेगी किसी पर्टिकुलर पर्सन का क्यों ये बिहेवियर है, ठीक है, या फिर सोशल बिहेवियर किसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है, हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कॉग्निटिव थ्योरीज की मदद से। तो ये कंट्रीब्यूशन रही है कॉग्निटिव थ्योरीज की। अब है इसमें लास्ट दो टॉपिक बचे हैं, ठीक है, 10 है लिमिटेशंस ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। अब हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे कॉग्निटिव थ्योरीज की भी क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट तो सिंप्लीफिकेशन, इट समटाइम्स ओवर सिंप्लीफाइज हाउ पीपल प्रोसेस इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। कि कभी कभी जो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स जो बिहेवियर्स थे उनको बहुत ही ईजिली सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई ओवर सिंप्लीफाई कर दिया कि अच्छा इस पर्सन का ये बिहेवियर था तो ये इसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से हो गया एक्सप्लेन, जबकि ऐसा सही नहीं था क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसी बिहेवियर को समझने में, इन्होंने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। सेकेंड ऑब्जर्वेबिलिटी, अब कॉग्निटिव जो प्रोसेसेस हैं उसको हम डायरेक्ट तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते, किसी के क्या स्कीमास बने हुए हैं ब्रेन में, किसी के क्या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं आप उसको नहीं देख सकते, किसी की मेमोरी आप देख नहीं सकते डायरेक्टली, हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दे आर इन्फर्ड फ्रॉम पीपल्स एक्शंस एंड वर्ड्स। हम सिर्फ इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं क्या लोगों का एक्शन है, ठीक है, उनके बिहेवियर को, उनके वर्ड्स को देख करके, लेकिन हम इसे सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली सिर्फ इन्फर कर सकते हैं, अजम्पशंस बना सकते हैं उनके वर्ड्स एक्शंस को लेकर के पीपल्स के। फिर लास्ट है टेस्टिंग। अब जो चीज़ देख नहीं सकती डायरेक्टली, जिसे ऑब्जर्व नहीं करा जा सकता, उसको टेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग है टू कंडक्ट डेफिनेटिव टेस्ट ऑफ इट्स प्रेडिक्शंस, ठीक है। जो भी कॉग्निटिव थ्योरीज हमें प्रेडिक्शंस में हेल्प करती है या फिर प्रिडिक्ट करती है किसी पर्सन के सोशल बिहेवियर या फिर इंडिविजुअल बिहेवियर को, उसको टेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये तीन लिमिटेशंस थी कॉग्निटिव थ्योरी की। फर्स्ट तो सिंप्लीफिकेशन कि उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को भी ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, ऑब्जर्वेबिलिटी कि हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और लास्ट इसको टेस्ट नहीं करा जा सकता इनकी प्रिडिक्शंस को। लास्ट है पॉपुलैरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। डिस्पाइट ऑफ इट्स लिमिटेशंस कॉग्निटिव थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, काफ़ी प्रोडक्टिव अप्रोच है सोशल साइकोलॉजी में। तो ये थी हमारी दो तरीके की थियरीज हमने पढ़ी हैं, लर्निंग थियरीज जिसमें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और रीइंफोर्समेंट थियरी को पढ़ा। और रीइंफोर्समेंट थियरी का प्रिंसिपल को यूज़ करके एक नई थियरी बनी थी सोशल एक्सचेंज थियरी, वो हमने पढ़ी, क्या उसके लिमिटेशंस थे वो हमने पढ़ा। और हाँ, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने कॉग्निटिव थियरीज़ को पढ़ा जिसमें बहुत सारी हमने चीज़ें पढ़ी, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कॉग्निटिव थियरीज़ का वो हमने पढ़ा, इसकी लिमिटेशंस पढ़ी। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने लर्निंग थ्योरीज और कॉग्निटिव थ्योरीज अपनी कंप्लीट कर ली है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो। कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और मैंने अभी तक सिर्फ 105 को मैंने स्टार्ट करा था और बीपीसीसी 107, 106 बाकी वगैरह और जो प्लेलिस्ट हैं वो अब तक नहीं बनी है, वो वीडियोज़ भी नहीं बनी है। सिर्फ 105 और 107 को मैंने अभी स्टार्ट करा है, इसके बाद 110 हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर हम बाकी 106 या 109 को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।